हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फोर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर 13 कॉन्टिन्यू है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सो व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उससे एक चुंबकीय, आप कह सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वहां से वो प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसको रखा गया है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उस कंडक्टर में भी करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस हुआ है, इसीलिए वो इंड्यूस्ड करंट है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमिना क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड दिस वॉज स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिस्ट माइकल फैराडे इन 1831 में माइकल फैराडे द्वारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये जो है स्टडीड किया गया था। ओके, अब देखिए इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे इसको समझने के लिए। सो हमने क्या लिया है यहाँ पे, टेक ए कॉयल ऑफ वायर ए बी। तो ए बी हमारे पास बेटा ये कॉयल है, इसके ऊपर जो वायर है वो वुंड की गई है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर हैं। अब देखिए, कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉयल टू ए गैल्वेनोमीटर। अब कॉयल को एंड को जो है यहाँ से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट जो है वो कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉयल। अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक मैग्नेट भी ले ली है, इसका ये वाला इधर वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। अब हमने मैग्नेट को बी की तरफ मूव किया, किस तरफ मूव किया, इस तरफ मूव किया। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन हुई वो हमने इस पे नोट की। ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब हमने मैग्नेट को बी जो एंड है उसकी तरफ मूव किया तो यहाँ पर जो ये गैल्वेनोमीटर है ना इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुई। ठीक है, क्या हुई यहाँ पे, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, यानी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन यहाँ पर नोट की गई। अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या होता है, वो हमें करंट जो है किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है वो जो है गैल्वेनोमीटर हमें बताता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, जो करंट को की डिटेक्शन करता है। अब तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जब मैग्नेट को मूव किया गया इनटू द कॉयल, कॉयल के अंदर, कॉयल की तरफ जो है बी पार्ट की तरफ, बी एंड की तरफ मूवमेंट किया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन हुआ इन गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि करंट जो है वो इसके अंदर करंट हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, मैग्नेट इज कीप स्टेशनरी इनसाइड द कॉयल। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को कॉयल के अंदर जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया, स्टेशनरी कर दिया गया, यानी उसको एक तरह से बिल्कुल आप कह सकते हो स्थिर कर दिया गया, स्टेशनरी कर दिया गया। अब क्या हुआ, अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई क्योंकि मैग्नेट वो मोमेंट में नहीं है, इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जो वैल्यू होगी, जो निडल होगी, वो किस पे होगी, जीरो पे होगी। उसके बाद देखिए, मैग्नेट इज विड्रॉन। अब एक बार इसको अंदर लेके गए, छोड़ दिया, उसके बाद फिर बाहर निकाला, बाहर निकालते हुए फिर से डिफ्लेक्शन हुई, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन हुई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई जैसे कि फर्स्ट केस में हुई थी। मान लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से रीडिंग होती है, यहाँ 1 2 3 ऐसे रीडिंग है। जब स्टेशनरी है तो ये जो हमारे पास इसकी निडल है वो किस पे रहेगी, जीरो पे, यानी करंट जो है क्या है, जीरो है। ठीक है, जब हमने कॉयल के अंदर मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, जब हमने कॉयल को बी की तरफ लेकर गए तो मान लीजिए कि इसकी डायरेक्शन ये थी, जब हमने बाहर निकाला तो इसकी डायरेक्शन अब ये ना होकर इसकी डायरेक्शन ये इस तरह से चेंज हो गई। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है और ये हमारी थर्ड कंडीशन है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरह से
जो मैग्नेट है उसकी मूवमेंट जब हुई तो गैल्वेनोमीटर में किस तरह से जो है रीडिंग आई, कैसे हमने उसकी डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया। इससे ये पता चलता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो जो करंट है वो इंड्यूस होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सो आई होप बेटा यहाँ से आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है वो हमें गैल्वेनोमीटर बताता है। द पॉइंटर एट जीरो फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जीरो का मतलब क्या है कि करंट उसके अंदर जीरो फ्लो कर रहा है, जैसे हमने अभी आपको बताया। इट कैन डिफ्लेक्ट ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये लेफ्ट में भी जा सकता है, ये राइट में भी जा सकता है, डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और एक्टिविटी करेंगे हम, उससे भी हम समझेंगे इंड्यूस्ड करंट के बारे में। टेक टू डिफरेंट कॉयल ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमारे पास यहाँ पर टू कॉयल हैं, कॉयल वन कॉयल टू, जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी टर्न्स जो है वो ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कॉयल वन के अंदर टर्न्स ज्यादा हैं, ठीक है, ये वाले टर्न्स, और कॉयल बी के अंदर टर्न्स जो है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मान रहे हैं कि मान लीजिए कॉयल बी में 50 है तो कॉयल वन में कितनी है, 100 है, तो इसमें 50 टर्न्स हैं। उसके बाद देखिए अब हमने क्या किया, इंसर्ट देम ओवर ए नॉन कंडक्टिंग साइलेंड्रिकल रोल। तो हमने इनको साइलेंड्रिकल रोल जो है उसके उसके ऊपर रैप किया हुआ है। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है। उसके बाद देखिए कनेक्ट द कॉयल, उसके बाद हमने कॉयल को कनेक्ट करना है। कॉयल वन को हमने इस तरह से सीरीज में बैटरी और प्लग की के साथ कनेक्ट करना है। तो बेटा देखिए ये जो है बैटरी है, ये प्लग की है। कॉयल बी को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। व्हेन अब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं मोमेंट्री डिफ्लेक्शन जी में हमें दिखाई देती है। अब बेटा देखिए कॉयल वन कॉयल बी आपस में एक दूसरे से अटैच तो है नहीं, क्योंकि ये जो रोल है ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देती है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होती है जी में। ठीक है, स्विच ऑन करने पर अब हम क्या करते हैं, करंट जो है वो लगातार फ्लो होने देते हैं। ठीक है, तो यानी जब हमने हम उसी तरह से सिचुएशन समझेंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये यहाँ पे जीरो है, ये वन टू, ये वन टू। जब स्विच ऑन किया तो जो ये हमारी निडल है ये मान लीजिए मोमेंट्री डिफ्लेक्शन एक की तरफ हुई, जब करंट लगातार फ्लो कर रहा है तो ये जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, जो निडल है वो जीरो पे आ जाएगी, यानी तब ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकेंड कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑफ किया तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन हुई, लेकिन अब डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में होगी। पहले इस डायरेक्शन में थी तो अब ये इस डायरेक्शन में शो होगी, यानी ये अब हमारी थर्ड कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि करंट जो है की डायरेक्शन जो है अगर चेंज होती है या जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उससे इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जैसा कि माइकल फैराडे ने बताया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ईएमएफ होता है। द जनरेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉयल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट इज नोन एज इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट दस जनरेटेड इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण। हमें पता है ना करंट कब पास होता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वी, तभी करंट पास होगा। यहाँ पर जो वी है वो जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है और उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने अब यहाँ पे इंड्यूस्ड वर्ड लगाया है जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
तो वेज क्या है करंट को इंड्यूस करने के लिए? फर्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि हम कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। दूसरा वे क्या है, प्लेसमेंट ऑफ ए कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर है वो मूविंग है, ठीक है, मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब भी क्या है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन क्या है, जनरेटर में यूज होता है, यूज इन गैल्वेनोमीटर, यूज इन ट्रांसफॉर्मर्स, तो यहाँ पर इनकी जो है अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की, जब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, उसको हम दिखाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कीजिए बेटा, जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो लेफ्ट हैंड रूल जो है चलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हुआ है तो राइट हैंड रूल चलेगा। इस चीज को आप डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, और ये क्या होगा, ये इंड्यूस्ड करंट होगा। ओके, इसे राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शंस जो है बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, करंट की क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम समझेंगे। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द, यहाँ पर देखिए बेटा जैसे आपने लेफ्ट हैंड रूल में समझा था कि आप तीनों फिंगर्स, हमारी जो मिडल फिंगर है, ठीक है, हमारी जो फोर फिंगर है और हमारा थंब है, उसको हमें इसी तरह से फैलाना है जैसे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, और फिर इसमें जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर हमारी ये इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमने फोर्स पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड देन द मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और जो ये मिडल फिंगर है ये हमें डायरेक्शन बताएगी इंड्यूस्ड करंट का। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होगा, मोमेंट किस तरफ होगी वो हम देख लेंगे, और हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड रूल। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर इट, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो ये, और किसने डिस्कवर किया इसको, तो ये आप कंप्लीट इसका आंसर लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें थर्ड पार्ट भी दिया गया है, इसकी एक एप्लीकेशन भी लिखनी है आपको, तो ये इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो है ये हो गया, तीन पार्ट है, इंडक्शन की डेफिनेशन आप ये वाली भी लिख सकते हैं, हु डिस्कवर इट, माइकल फेराडे, एप्लीकेशन यहाँ से लिख दीजिए, राइट डिफरेंस वेज टू इंड्यूस करंट, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, वेज लिखने हैं टू इंड्यूस करंट। तो देखिए बड़ा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा, वेज टू इंड्यूस करंट। थर्ड है स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो बेटा ये जो है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये गिवन है, साथ साथ आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा। डायग्राम जो आप ड्रॉ करोगे, डायग्राम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए रिप्रेजेंटेशन डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है और आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी आंसर में तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह की और वीडियोज़ बनाने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।